हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। वी आर वंस अगेन हियर टू एक्सप्लेन द टॉपिक। पिछली 3-4 क्लासेस से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, एंड आई होप आई बिलीव दैट यू आर वेरी मच एंजॉइंग और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो गाइस, इफ यू रिमेंबर पिछली क्लास में क्या सीखा था हमने, पिछली क्लास में हमने एक अमित एंड विजय वाला TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 44 आपको कराया और आपको सिखाया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या कॉन्सेप्चुअल्स उसके पीछे होता है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो गाइस इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि आप अगर क्वेश्चन को पढ़ने के ऊपर टाइम ठीक से खर्च नहीं करोगे ना, तो वो क्वेश्चन आपको होते समय दिक्कत करेगा, आपका टाइम ज़्यादा खर्च करा सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। मैंने आपसे कहा था कि आफ्टर और बिफोर, पर मंथ और पर एनम, ऐसे छोटे छोटे वर्ड जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनको हम ठीक से नहीं पढ़ते हैं, उसको अगर हम ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, आज मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा और ये क्वेश्चन आपको 3 इंपॉर्टेंट बातें बताएगा और मेरी बात को प्रूफ करेगा जो मैंने आपसे कहा कि आप गलतियां कर सकते हैं। कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां आप गलती कर जाते हैं, अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो यू विल श्योरली मेक ए मिस्टेक। ठीक है, तो आपसे मिस्टेक होना लाजमी है, तो कृपया मेरी बात को सुने, समझने की कोशिश करें ध्यान से, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी क्वेश्चन नंबर 47 फ्रॉम TS ग्रेवाल। कौन सा क्वेश्चन है जी? 47 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, आपको पहचानना कैसे है? सजल एंड काजल वाला क्वेश्चन है। आपको पहचानना कैसे है? उसमें नेट प्रॉफिट दे रखा होगा आपका आंसर में 58050। ठीक है, सजल और काजल वाला क्वेश्चन है, ये इसकी पहचान है, तो आपका काम है इसको आप ढूंढ के रखें। तो अगले 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप इतने अपनी बुक खोलिए TS ग्रेवाल। और ये बात बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरी वीडियो अगर शुरू होती है तो आपके हाथ में आपकी बुक पहले से होनी चाहिए, बिफोर यू टैप ऑन द स्क्रीन फॉर स्टार्टिंग योर वीडियो, उससे पहले आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा या एग्जाम्पल कराऊंगा, बुक मस्ट बिफोर यू। ठीक है, बुक आपके सामने होनी चाहिए, तो कृपया करके बोर्ड पे देखिए ध्यान से, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 फ्रॉम योर बुक कॉल्ड TS ग्रेवाल। तो यू गाइज आर रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा प्लीज क्या लिखा है, सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो, या प्रॉफिट शेयरिंग आर कितना है जी? 2:1। इसका मतलब मैं आपको बड़े अच्छे से पिछली क्लास में समझा चुका हूँ कि पी और क्यू पार्टनर है या ABC पार्टनर है, या इस क्वेश्चन में सजल काजल पार्टनर है, सजल और काजल का रेशो 2:1 है। आपको तो पता ही चल गया होगा 2 और 1 3, तो 2/3 1/3 क्या यूज होगा इसका? लास्ट में जब सैलरी वैलरी ये वो अटरम सटरम देने के बाद सब कुछ होएगा, तो लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, उसको पार्टनर लोग डिवाइड करेंगे इस रेशो में। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। इनकी जो कैपिटल है ना दोस्त, वो कितनी है दोस्त? 50,000 और 40,000। द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन, ये इनके बीच में डिसाइड हुआ। पढ़ना क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कह रहा जो उनकी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देना, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना? 5% पर एनम। देखो ना, ये रही कैपिटल 50,000, इसका 5% और इसका 5%। सुनो, बी पार्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू काजल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द होल ईयर एट द रेट ऑफ ₹30,000। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, जो मैं लिखना भूल गया था क्योंकि आपके हाथ में बुक है, मेरे पास बुक नहीं है, मैं लिखा इसको अभी तो मेरे को बाद में ध्यान आया। ये जो पॉइंट है इससे पहले कहीं होगा कि इन द ड्रॉइंग मेड बाय सजल वर 10,000 एंड काजल वर 8,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 6%। मैंने यहाँ लिखा है, आपका यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। ठीक है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व और द नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर वॉज 68460। बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सारे काम छोड़ करके, क्योंकि आप घर पे हैं तो सारे काम छोड़ करके आप सिर्फ
इस वीडियो को देखेंगे और इस क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से देखेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन नीड्स अ लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन। बोर्ड पे आपके सामने इसका सॉल्यूशन होने जा रहा है गाइस, ठीक है, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। ये फॉर्मेट आपको देखते देखते बहुत टाइम हो गया, आई होप कि फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीस, एंड देन अगेन क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीस, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, आपको तो परसों समझाया था ना। सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर से हमारा क्वेश्चन चालू होता है, नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर। तो कृपया सुनिए, नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर बाय बाय पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉफिट कहां से मिला, पी एंड एल अकाउंट से। कितना है जी, 68460। सबसे पहले नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर ढूंढना होता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से, ठीक है। मैंने आपको वादा किया कि इस क्वेश्चन में आपको मैं तीन इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो प्लीज उन तीन इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान सुनिएगा प्लीज। क्या लिखा है, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, जो इनकी कैपिटल है ना उसका 5% का इंटरेस्ट। टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जरा कौन पार्टनर है जी, सजल, और कौन है जी, काजल। कोई मुझे सजल की कैपिटल बता दो, वो देखो 50,000, 50,000 का 5%, 2500। अगले वाले की 40,000, 40,000 का 5%, कितना हो गया 4500, ठीक है। तो सजल की कैपिटल और काजल की कैपिटल, 5 5 25 4 5 20, 4500 हो गया, ठीक हो गया। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6% पर एनम। कान खोल के मेरी बात सुन लो, इसको मैं यहीं पे पॉज करके एक तीन नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार करा रहा हूं, तीन नंबर का क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, प्लीज सुनना ध्यान से। देखो दोस्त, एक होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। देखो जी, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है कि यू विल हैव टू मेक सच एक्सपेंस, वो खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, इवन इफ यू आर नॉट इन कंडीशन टू डू दैट। आप उस खर्चे को करने की हालत में हो या ना हो, आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है तो वो खर्चा करो, नहीं है तो मत करो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लो, जैसे हम जब 11th क्लास में थे तो एक क्वेश्चन हुआ करता था कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, या 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन्ड फॉर मैनेजर्स कमीशन, कि मैनेजर को 10% ऑफ द प्रॉफिट देना है एज कमीशन। तो यार मैनेजर प्रॉफिट कमाएगा तभी तो कमीशन देना है, अगर फर्म ने प्रॉफिट नहीं कमाया तो कमीशन किस बात का। या दूसरी बात, 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कि जो भी कमाई होगी उसके 10% रिजर्व में जाएगा। अरे कमाओगे तभी तो रिजर्व में डालोगे, अगर फर्म ने कमाया ही नहीं तो रिजर्व में भी नहीं जाएगा। यह है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। दूसरी बात सुनो, रेंट टू लैंडलॉर्ड क्या है जी, अगर आप एक दुकान चला रहे हैं किराए की जगह पर और किसी महीने आपका प्रॉफिट, आपका बिजनेस उतना अच्छा नहीं हुआ, इतना बेकार हुआ कि आपके किराए देने के भी पैसे नहीं है, तो किराएदार तो एक महीना पूरे होते हुए आएगा ना, मकान मालिक आपके वहाँ जैसे ही एक महीना पूरा होगा किराएदार के पास आ जाएगा, आपके पास बोलेगा भाई साहब लाओ एक महीना हो गया किराया दो। तो आप उससे ये कहते हो क्या, भाई साहब यार आई एम सॉरी इस महीने कमाई नहीं हुई किराया माफ़ कर दो। वो क्या बोलेगा, भाई माफ़ नहीं करूँगा भाई, मैं टाल सकता हूं अगले महीने दोनों महीने का किराया एक साथ दे दियो, यानी कि तू इसे आउटस्टैंडिंग कर ले, भूलूंगा नहीं, वेव ऑफ नहीं करूंगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको कमाई हो चाहे नहीं हो,
आपको रेंट टू ए पार्टनर देना पड़ेगा, ठीक है, आपको रेंट टू लैंडलॉर्ड देना पड़ेगा। आपने अगर किसी पार्टनर से लोन ले रखा तो उसका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है ना तो वो चार जगह से प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट आपको हुआ चाहे नहीं हुआ, आप लोन का इंटरेस्ट का लोन का इंटरेस्ट देने के काबिल हैं चाहे नहीं है, आपके इतनी कमाई हुई है चाहे नहीं गई हुई है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो बोलेगा भाई साहब माफ़ नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, अगले मैंने ले लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या है तो दे दो, नहीं है तो रहने दो, ठीक हो गया। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आते हैं। जैसे पार्टनर की सैलरी, अरे पार्टनर को सैलरी तभी तो देंगे जब कमाई होगी, नहीं होगी तो कहाँ से देंगे, समझ रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी देंगे जब कमाई होगी, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये आइटम वो होते हैं जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, तो दो नहीं तो रहने दो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखना, आज के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होता है। एक बात, दूसरी बात, यहां पर लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर वॉज 68460। सर जैसे इसने बोल दिया नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर, बोल दिया इसने नेट प्रॉफिट, दो कंडीशन बता रहा हूं अलग अलग, प्लीज सुनना ध्यान से। यहां लिखा हुआ है द नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर 68460, प्लीज सुनना ध्यान से, ये नेट प्रॉफिट है। अब भैया अरे नेट का मतलब है उसने इंटरेस्ट दे दिया, उसने इंटरेस्ट दे दिया, तो इसलिए आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखने की जरूरत नहीं है। एक बात सपोज करो यहां पर नेट प्रॉफिट की जगह तब प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर होता तो क्या करते, तो प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर का मतलब है ये प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, प्लीज सुनो। तो अगर ये नेट प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिखा होता तो क्या करते हैं, 68460 - 1800, ये एज्यूम करते कि ये जो हमारा प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें से अभी इंटरेस्ट के पैसे माइनस नहीं हुए तो वो यहाँ माइनस करेंगे। आपको सर यहाँ क्यों माइनस कर रहे हो, यहाँ दिखाओ ना उसको, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाया। अरे अभी मैंने तुमसे क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं होता, आप उसको डेबिट साइड में शो नहीं कर सकते, आप इसे यहाँ ब्रैकेट में शो करेंगे या इससे पहले एक और अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी इतने चक्कर में मत पड़ो, मैंने क्या बोला, अगर तो लिखा है नेट प्रॉफिट तो आपको इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है द प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर, दैट मींस उसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, और इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ तो यहां ब्रैकेट में माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी। तो अभी क्या लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, तो इसको हटा दिया। तो इन शॉर्ट आपने क्या सीखा कि इंटरेस्ट ऑन, पहली बात आपने क्या सीखी, इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अकाउंट में शो नहीं होता। इसमें इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि यहां पे नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा है, नेट लिखा मतलब उसने ऑलरेडी माइनस करा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, अगर नेट प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिखा होता तो इंटरेस्ट शो करते, पर इधर शो करने की जगह इधर ब्रैकेट में माइनस करते, कितना 1800, कैसे 30,000 का 6% लोन पे इंटरेस्ट 6% होता है, 30,000 रुपए से लोन दे रखा है, 30,000 का 6% 1800। मेरी बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो प्लीज सुनिए, तो पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कर दिया, दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन मैंने इग्नोर कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि नेट लिखा है माइनस ऑलरेडी। अगला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% रिजर्व में जाएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, आया माइनस गया, तो जी गया तो ये रहा, कहीं देख लो कुछ आया तो नहीं, ये देखो इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग मेड बाय द पार्टनर सजल ने, काजल ने ड्राइंग करी है। तो अब मैं तुम्हें अगली नई बात बताने जा रहा हूँ, अगली नई बात, ठीक है। मैंने कहा था तीन इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें कौन सी बताई, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क, कि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा। अगली इंपॉर्टेंट बात प्लीज सुनो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सुनो सजल ने 10,000 इंटरेस्ट ड्रॉइंग करी, 10,000 पे 6% इंटरेस्ट लेना, 6/100, 10,000 इंटू 6/100। तो मेरे भाई जब कोई बंदा ड्राइंग करता है और ये नहीं पता होता कि वो ड्राइंग उसने कब करी, कब करी मतलब अगर अप्रैल टू मार्च का ईयर है, 1 अप्रैल को दुकान शुरू होती है और 31 मार्च को खत्म होता है, तो 12 महीने का टाइम है, इस 12 महीने में उसने ड्राइंग कब करी ये तो बता भाई। अगर उसने ड्राइंग शुरू में करी
कि बीच में करी कि एंड में करी। अगर कोई बंदा ड्राइंग करता है और डेट नहीं पता कि उसने ड्राइंग कब करी, तो ऐसा मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि ना तो शुरू में करी होगी ना एंड में करी होगी। कब करी होगी? बीच में, बीच में, ईयर के बीच में। तो 10,000 अपॉन 6/100 इंटू 6/12। तो आज से एक बात रट लो कि अगर कोई बंदा ड्राइंग करता है और उसका टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग देखा 10,000 और ये नहीं बता रहा कि ड्राइंग की डेट कब है, तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 6 महीने का ब्याज लगाना है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है। तो 10,000 इंटू 6/100 कहाँ से आया? 11। इंटू 6/12 कहाँ से आया? 12 में से 6 महीने के लिए जैसे डेप्रिसिएशन लगाते थे, क्योंकि पता नहीं है कब ड्राइंग करी, तो 6 महीने एज्यूम किया जाता है। ये रूल है, 20 से 20 कैंसिल, 6 2 12 2 3 कितना आ गया? 300। काजल देख रहे हो, काजल का 8,000, 8,000 का 6% इंटू कितना? 6/12। अभी भी बताया ना 6 महीने का होता है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 240। तो बच्चों मैंने आपको क्या समझाया, आया माइनस गया इज इक्वल टू बच गया। क्या आया? 68460 आया, इसमें 540 और मिलाया जो और आया, क्या आया? 0 54906900। तो 6900 आया, उसमें से माइनस हो गया 4500, क्या बचा? 64500। क्या कह रहा है? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। देखो बच्चों, एक छोटा शब्द आपका क्वेश्चन गलत करा देगा, ठीक है? मैंने आपको पहला फर्क बताया, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क है। अगर प्रॉफिट लिखा है तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा ब्रैकेट में, और अगर नेट प्रॉफिट लिखा है तो उसका मतलब उसने माइनस किया हुआ है, एक बात। दूसरी बात क्या बताया इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने ड्राइंग करी और डेट नहीं पता तो 6 महीने का ब्याज होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड रिजर्व। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% रिजर्व में जाएगा। तो भाई पहले पता लगाओ डिविजिबल क्या आया, 64500। तो यहां लिखेंगे TRFR, टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ध्यान दें, 69000 देख रहे हो, माइनस 45000 आया, माइनस गया इज इक्वल टू बच गया का 10%। तो ये बचा था ना, इसका 10% निकालना, ये होगा शायद 6450। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि ये डिविजिबल प्रॉफिट लिखा, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, एक शब्द हटाते ही मतलब बदल जाएगा। डिविजिबल नहीं लिखा, क्या लिखा है? 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर रिजर्व। दोस्त अगर 10% ऑफ द प्रॉफिट लिखा है ना किसी क्वेश्चन में, तो ये प्रॉफिट है, इसका 10% आएगा फिर यहां पर 6846। कब? अगर 10% ऑफ द प्रॉफिट लिखा होता। अभी क्या लिखा है? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, ये है डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। उसके बाद अब हमारा आंसर निकल गया, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे ये डिविजिबल प्रॉफिट है, हाँ जी ये था, पर इसमें से भी मेरे को खर्चा करना पड़ गया ना, ये था मेरा प्रॉफिट जैसे परसों के क्वेश्चन में था, लेकिन इसमें से मुझे उसने गुल्लक में डालने को कहा है, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो 64500 मेरा प्रॉफिट था, 64500, पर उसने कहा कि गुल्लक में बचा लो, मैंने बचा लिया, तो बचाने के बाद क्या बचा? 05085, ये मेरा नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा। ये पहले ये था, लेकिन उसमें से मैंने गुल्लक में डाल दिया, तो अब क्या बचा? 58050। इसको दो लोगों में डिवाइड करो, 58050 का 2/3 और 58050 का 1/3। क्वेश्चन इज फिनिश। 3 1 3, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15, इंटू 2 भी तो करोगे तो करो। सजल, सजल को क्या मिला? 19350 इंटू 2, 38700। और इसको क्या मिला? दोबारा करो, 3 1 3, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15, 19350, 19350। और ये मैंने परसों भी कहा था आपको प्रेजेंटेशन, तो दो लाइन खींची आमने सामने, ये कमाया था, ये इसमें जोड़ लिया, तो 69000, 69000 में से इसको माइनस कर दिया, तो कितना आया? 58050। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर लिखा है, नेट प्रॉफिट सबसे पहले बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो मैंने दे दिया,
मैंने कहा नेट प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि नेट का मतलब है ही हैज पेड द इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है जो कि पे कर चुका है वो। मैंने कहा कि अगर नेट प्रॉफिट ना लिखा होता, प्रॉफिट लिखा होता तो क्या करते, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाते, लेकिन यहां नहीं दिखाते क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चार्ज शो करना नहीं अलाउड है। कहां माइनस करते, ब्रैकेट में 68460 माइनस 1800, ये याद रखना आगे के लिए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लिया, आया माइनस गया इज इक्वल टू बच गया 64500, पर इसने कहा कि 10% गुल्लक में डालो, तो ये बटन आना चाहिए था वैसे, पर इसने कहा कि गुल्लक में डालो, तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी। आया माइनस गया इज इक्वल टू बच गया, ये जो बच गया ये दो लोग, वो पहले गुल्लक में डल गया फिर इसको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। तो अगले दस सेकंड में आप इसको स्क्रीनशॉट अपने पास खींच के रखना, क्योंकि मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है। अगले 10 सेकंड में हम दोबारा आपके सामने मिलेंगे, इसका मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको सिखाऊंगा, तो 10 सेकंड के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं गाइस। गाइस ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, मैंने आपसे कहा था 10 सेकंड के बाद मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। तो गाइस आपने क्या देखा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने देखा कि पिछली क्लास में जो मैंने आपको अमित एंड विजय वाला क्वेश्चन कराया था, एक लेवल मैंने आपको ऊंचा कर दिया। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई खिचड़ी पक गई हो, सर पता नहीं क्या कह रहे हो कि प्रॉफिट होगा तो ऐसे करेंगे, नेट प्रॉफिट होगा तो ऐसे करेंगे। अरे तो फोन नंबर दिया है ना, यू ऑल गाइज हैव माई फोन नंबर, आप ऐप पर जाएँ, कोई दिक्कत होगी तो उसके बाद बात करेंगे। हम देखिए, हम लोग लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है, हमें नहीं पता था कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हम टेक्नोलॉजी में इतने साउंड नहीं है, इतनी चीज़ें हमने पिछले कुछ 10-12-15 दिनों में सीखी हैं, तो देर में भी सम ड्रॉबैक्स। अभी आने वाले कुछ समय में अगर 18 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलता है तो हमारी स्ट्रेटेजी अलग होगी, और नहीं खुलता है तो यही सारी क्लासेस जूम पे या किसी और मोड ऑफ उस पे स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू होगी, और हम 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चों का एक बैच बनाएंगे और ये वीडियो दोबारा चलेगी, और जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो ऑनलाइन पूछेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लास चल रही है, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं, मैं आज आपको फिर एक बात बता दूं कि अगर आपको इसमें कहीं भी कोई दिक्कत महसूस होती है तो यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, ठीक है, आप मेरे कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट्स को अपने उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप सब लोगों से एक चीज़ चाहूँगा कि इस वीडियो देने को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ तक बहुत कुछ हो चुका है, 2 प्रैक्टिकल क्लास हो चुकी हैं, आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर प्लीज़ कम से कम मेरा फीडबैक जरूर दें कि सर ये चेंजेस करने अच्छा समझ में आ रहा है तो भी अप्रिशिएट करें, और अच्छा नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी मेरे को क्रिटिसाइज़ करें कि सर ये आपकी ये कमी रह गई है, हमको ये चेंजेस और चाहिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है, इंस्पाइट की वीडियो क्लासेस हैं और मैं अपना 100% एफर्ट, अपना 100% कैलिबर आपके लिए यहाँ पर लगा दिया है मैंने, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन क्लासेस में आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि सर लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं मेरे सामने, ठीक है। लाइव क्लासेस मतलब जैसे हम पहले क्लासेस आपकी 11th क्लास में लिया करते थे, गॉट इट, ठीक। तो हर वो दिक्कत जो आपको आएगी उसको मैं ओवरकम करूँगा। नाउ नेक्स्ट प्लीज, तो आपके सामने मैं आज एक कैपिटल अकाउंट लेके आया हूँ। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर लास्ट में जानना चाहते हैं कि जब मैंने दुकान शुरू करी थी तो शुरू में मेरे पास कैपिटल में क्या 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 था और लास्ट में मेरे पास क्या 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 है, ठीक है। तो दोस्त हम आपको नेक्स्ट चीज बता रहे हैं, ध्यान सुनना प्लीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, ये बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा सुनो मेरी बात, ये जो एरिया आप देख रहे हो इतना एरिया, इसमें हो सकता है आपको ट्यूबलाइट की फ्लैश पड़ रही हो तो यहां पर अनप्रोडक्टिव चीज लिखी हुई है, आप सुन के काम चला लो क्या लिखा है। देखो ये लिखा है दोस्त पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये कौन है, सजल। ये कौन है, काजल। ये क्या है, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड स्टार्ट हो गई दोस्त। और ये क्या है, सजल। और ये कौन है, काजल। तो ये एरिया वाइट वाइट हो रहा होगा, फ्लैश मार रहा होगा जैसे आप क्लास में होते थे, आपको पता होगा क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, ये वैसे इसके नीचे बनता है, ठीक है। अगर मैं इसे मिटा देता तो सारी बात खराब रहती, आपको इसके नीचे बनाना है इसको, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना प्लीज। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर सोच रहे हैं कि मेरी कैपिटल में क्या क्या आया,
देखो जो फर्म का एक्सपेंस है, सुन रहे हो, जो फर्म का एक्सपेंस है वो पार्टनर की इनकम है, और जो फर्म का इनकम है वो पार्टनर का एक्सपेंस है। क्वेश्चन की शुरुआत होगी ऐसे, बाय बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद है आपको सजल की एबिलिटी कितनी थी अपने क्वेश्चन में, देखो 50,000, और काजल की एबिलिटी कितनी थी याद करो 40,000। जो यहां पर 2 में लिखा है उसे उठा के ले आओ बाय में। कैसे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म ने पार्टनर को उसकी एबिलिटी इंटरेस्ट दिया, फर्म का खर्चा हुआ, अरे इसे तो मिला, इसे 50,000 कैपिटल थी इंटरेस्ट और मिल गया, इसकी 40,000 कैपिटल थी इंटरेस्ट और मिल गया, कैपिटल बढ़ गई, तो फर्म का खर्चा इसकी इनकम। बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, ये ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, क्योंकि ना ये सजल का है ना ये काजल का, ये किसी का पर्सनल नहीं है, किसी का पर्सनल नहीं है। बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 38700, और इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 19350। गॉट इट? आप कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो था 1800, वो इंटरेस्ट ऑन लोन लोन पे इंटरेस्ट था, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक हो गया, वो यहां नहीं आएगा। उसके बाद देखो यहां 2 drawings, आप देख रहे हो यहां पे कैपिटल लिखी उसका इंटरेस्ट लिखा है, यहां पे ड्रॉइंग लिखी उसका इंटरेस्ट लिखा है, लेकिन जब कैपिटल अकाउंट में आएंगे तो कैपिटल भी लिखेंगे उसके नीचे उसका इंटरेस्ट भी लिखेंगे, यहां पे ड्रॉइंग भी लिखेंगे और उसी के नीचे उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, इतनी कैपिटल थी इतनी ड्रॉइंग होगी तो कट जाएगी अकाउंट में से, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कट जाएगा, इससे कटेंगे 300 रुपये चार्ज करेंगे, इससे 240 चार्ज करेंगे। तो आपको तो पता ही है ना, आया माइनस गया इज इक्वल टू बच गया, ये फर्म के एंगल से बन रहा था कि हमारे पास लास्ट में क्या प्रॉफिट बचा। ये सजल और काजल ये जानने के लिए ईगर हैं, क्या जानने के लिए ईगर हैं कि यार ईयर खत्म हो गया, अब मेरी कैपिटल शुरू में कितनी थी और एंड में कितनी है। देखो इसको जोड़ लीजिए, 0 0 7 + 5 12 9 11 9, जोड़िए 0 5 3 11 6, तो जो इधर आता है वो इधर भी लिखते हैं 6 1 3 5 0 9 1 2 0 0, टू बैलेंस कैरी डाउन सी डी, आया माइनस गया इज इक्वल टू बच गया, माइनस कीजिए 0 0 9 + 3 12 0 8 80,900, 0 1 1 3 5 3 1 1 0, तो ये बैलेंस सी डी है, इसे यहीं पे छोड़ दोगे तो एक नंबर कट जाएगा, यहाँ ले जाना जरूरी है। बाय बैलेंस बी डी नया मन चालू हो गया लाइन के नीचे, यहाँ कहाँ 80900 और 5 3 1 1 0, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। कान खोल के मेरी बात सुनो, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे, कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, एक तो आपको इसके नीचे बनाना है एक बात, और ये जो कैपिटल अकाउंट है ना ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, दोबारा बोलो फ्लक्चुएटिंग। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे परसों की क्लास में, लेकिन आज सुनो ये फ्लक्चुएटिंग है। देखो फ्लक्चुएटिंग मतलब बदलने वाला, ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला, और फिक्स मतलब जो फिक्स रहेगा, इसकी डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स अगली क्लास में बात करेंगे, अभी समझ लो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। फ्लक्चुएटिंग मतलब जब कैपिटल का शुरू में बैलेंस कुछ और होता है और साल आते आते उसका कैपिटल का बैलेंस बदल जाता है, क्योंकि बहुत कुछ मिलता है बहुत कुछ कटता है उसके अकाउंट से, तो वो फ्लक्चुएट हो जाता है बदल जाता है, बदलने वाले अकाउंट को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो सर ये क्वेश्चन पूरा हो गया, अब मैं होमवर्क, अपनी बुक अपने सामने निकाल के रखो, अगले 5 सेकंड में होमवर्क लेके आपके सामने मिल रहा हूँ, होमवर्क के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, तो प्लीज़ अगले 10 सेकंड में अब आपको होमवर्क समझाया जाएगा, दोबारा मिलते हैं आपसे 10 सेकंड के बाद। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो, आज की हमारी क्लास एंडिंग की तरफ है, तो मैंने आपसे कहा आपको क्वेश्चन करके लेके आना है 43 नंबर क्वेश्चन, अपनी बुक खोलेंगे 43, और आपको करके लेके आना है क्वेश्चन नंबर 47, तो मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 43 अपने सामने निकाला है। मैं कुछ हल्का सा समझा दूँ आपको ताकि आप करें तो कोई दिक्कत ना आए, पढ़िए ज़रा, देखिए प्लीज़। 43, सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, मिला सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, 43 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर में वेरी,
तो सी और डी पार्टनर है, सी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 1 लाख एंड डी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 60,000 एज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 6% पर एनम। डी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ और इन 2016-17 द प्रॉफिट वॉज 80,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। कह रहा हमको 80,000 का प्रॉफिट हुआ, अभी मैंने भी इसमें से ना मैंने सैलरी दी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। कहता है डिवाइड दी अमाउंट बिटवीन सी एंड डी, तो आप डिवाइड नहीं, आप क्या बना के लाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के लाओगे। और याद रखना इसने जो आंसर दिए हुए हैं वो कुछ और है, गलत नहीं है, वो ये बता रहा है कि डी सी और डी को क्या मिला आपको, पार्टनर्स कैपिटल ये और ये दोनों चीज़ बना के लेके आनी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, बाय नेट प्रॉफिट मेड फॉर देयर 80,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना दोनों लोगों की, सैलरी सिर्फ डी की 3,000 × 12 बच्चे का डिविजिबल प्रॉफिट, उसको डिवाइड कर देना, रेशियो दे नहीं रखा, नहीं दे रखा तो इक्वली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 43। नाउ 47 निकालिए, सेम क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ आप करके लेके आएंगे। उस क्वेश्चन को देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2016 या किसी की बुक में 19 या 18 जो भी लिखा है, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग 60,000 45,000 रेस्पेक्टिवली, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। आपको पता है लास्ट में जो प्रॉफिट होगा वो जैसे इसमें 2:1 में बटा है ऐसे इसमें 3:2 में बटेगा। 3:2 मतलब 3/5, 2/5, ठीक है। और बी को सैलरी दे दी है 12,000 पर ईयर, अब मत कर देना बेवकूफो 12 से मल्टीप्लाई, पर है ना मैं ये पर मंथ होती है तो करते हैं, अभी नहीं करने का। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर, ए ने निकाले 9,000 एज ड्रॉइंग और बी ने निकाले 18,000 एज ड्रॉइंग। कान खोल के सुन लो, ड्रॉइंग अलग चीज होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलग चीज होती है। क्या मैंने यहां पर 10,000 8,000 यहां पर लिखा, क्या यहां लिखा, नहीं लिखा। अरे उसकी ड्रॉइंग थोड़ी मेरी कमाई है, उसकी ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट मेरी कमाई है, ठीक है। तो कहीं ये मतलब नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर होगा तो यहां लिखा जाएगा, ड्रॉइंग होगा तो यहां पर उसका कोई काम नहीं है। कहां पर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सुनो, तो ड्रॉइंग करी ए ने 9,000 बी ने 18,000, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर पेड बाय ए 150 और बी 210, यानी कि काम करा करा लिखा है, मतलब यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ा था, यहाँ पे इंटरेस्ट खुद निकला हुआ है, ए का 150 और बी का 210। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 35,000 एज सिंपल एज एनीथिंग। तो ये दो चीज़ आप, इसकी भी ये दो चीज़ बना के लाएंगे और उसकी भी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 47। सो गाइज, ये आपका आज का होमवर्क है। देखो गाइज, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा काम आपको पसंद में आ रहा है, ठीक है। यू आर लाइकिंग आर वीडियोस और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसकी दुगनी एनर्जी से हमारी पूरी बीबीसी की टीम आपके लिए लगी हुई है। हमारी सारी इस वीडियोस को आप देख रहे हैं, ये आपके लिए यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, पर यूट्यूब पर अगली 2-3 वीडियोज़ और आएंगी, इसके बाद हम वीडियोज़ को यूट्यूब पर डालना बंद कर देंगे गाइज, ठीक है। देर आर सम टेक्निकल इशूज़। हमारी सारी वीडियोज़ आपको ऐप पर मिलेंगी। आपके अगर फ्रेंड्स कोई और हैं जो कहीं और पढ़ रहे हैं तो उनको बोलो पढ़ते रहें, लेकिन उनको कम से कम एक बार हमारी वीडियोस देखने को ज़रूर बोलें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे जैसा आपको और कहीं कुछ नहीं मिलेगा। एक बात, हमारी सारी वीडियोस आपको ऐप पे मिलेंगी, ठीक है। हमारा रिसेप्शन वाला नंबर यहां पर लिखा हुआ है, या आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, आप नमन सर को कॉल कर सकते हैं, आप हमारी किसी भी फैकल्टी को कॉल कर सकते हैं। तो गाइस ध्यान सुनिएगा प्लीज़, हमारी जितनी एनर्जी से मैं काम कर रहा हूँ उसकी दुगनी एनर्जी से हमारा पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है आपके लिए। हमारी सारी चीज़ें, हमारे सारे सब्जेक्ट्स ऐप पे कवर हो रहे हैं। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और ये बात ध्यान रखें कि सारी आपको कोई कमी हम महसूस नहीं होने देंगे कि यार हमारी क्लासेस लाइव क्लासेस चल रही है। एक बहुत बड़ा मिथ आपके पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि वीडियो क्लासेस मैं चैलेंज करता हूँ कि जिसके पेरेंट्स को लग रहा है कि वीडियो क्लास से फ़ायदा नहीं होता, मैं कहता हूँ आप मेरी वीडियो देखिए, आप नमन सर की वीडियो देखिए, आप हमारी किसी भी फैकल्टी की वीडियोज़ देखिए। अगर उन पहली बात तो अगर उन्होंने कॉमर्स पढ़ी हुई है तो उनको अपनी कॉमर्स याद आ जाएगी, आई कैन बैट, और अगर नहीं पढ़ी हुई तो कॉमर्स समझ में आने लग जाएगी। तो अगर आपके पेरेंट्स को समझ में आ सकता है तो किसी को भी समझ में आ सकता है। तो डोंट टेक इट लाइटली, हमारे सारे सब्जेक्ट्स ऐप पर अवेलेबल हैं, हम आपके लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और बिलीव कीजिए कि हमारा काम दुगना तिगुना चौगुना बढ़ गया है। हम लोग पहले आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, हमको बहुत कुछ करना पड़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में तो अब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है तो यू आर आई एम सॉरी कि हमारा काम 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। तो प्लीज़
मैंने आज आपको दो बातें बोली कि हमारे सारे सब्जेक्ट्स ऐप पर अवेलेबल है। दूसरी बात मैंने आपको जो बोली वो ये बोली कि आपको इसको एक बार क्रिटिकली इवेल्युएट करना है और ये बात समझनी है कि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये कोई भी दिक्कत होगी तो अभी हमने आपको जूम पे आने का वादा किया है तो आपको किसी तरीके कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे। तो इन दो क्वेश्चंस के होमवर्क के साथ अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करेगा, मेरे को चाहे क्रिटिसाइज करे चाहे मुझे अप्रिशिएट करे, बोथ सजेशंस आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।